सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फैनकॉड ECS T10 Dresden सीरीज के जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा BER वर्सेस BRI के दरमियान में। दोस्तों इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों दोनों ही टीम ने अभी तक इस सीरीज के जितने भी मैचेस खेले हैं सारे मैचेस को इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। BER के टीम ने दोस्तों अभी तक इस सीरीज के 8 मैचेस कंप्लीट खेल चुके हैं, और वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे BRI के टीम के बारे में, तो दोस्तों इस टीम ने अभी तक 6 मैचेस खेले, हालांकि कुछ मैच बारिश के कारण अवॉइडेड रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोनों ही टीम ने अभी तक इस सीरीज के जितने भी मैचेस कंप्लीट खेले हैं सारे मैचेस को यहाँ पे कवर करते हुए बताएंगे कि कौन से खिलाड़ी ने दोनों ही टीमों की तरफ से ओपन करते हुए देखे, कौन से खिलाड़ी फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों जितने भी खिलाड़ी हैं सारे खिलाड़ी का बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए सबसे बेस्ट चॉइस देने वाला हूँ, जिसके मदद से आज यहाँ पे आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के शानदार टीम तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मैच में एक शानदार टीम पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखना, ताकि इस मैच का आपको पूरी डिटेल मिल पाएगा और आप एक बेहतरीन टीम बना पाओगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना गाइस, ताकि आने वाले मैचेस का वीडियो मैं जैसे अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंचेगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको मिल पाएगा। देखो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आफ्टर टॉस आपको फाइनल टीम दे दिया जाता है। 21,000 प्लस यूजर ने ज्वाइन कर लिया है और बिल्कुल फ्री ग्रुप है, तो आई थिंक आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि लाइनअप आने के बाद किसी प्रकार के अगर चेंजेस होता है तो मैं आपको फाइनल टीम इसी ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दे दिया गया, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पहला कमेंट भी पिन कर दिया गया, दो जगह लिंक है, कहीं पर भी क्लिक करके आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने ज्वाइन कर लिया होगा, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और BER के खेले मैचेस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस टीम ने अगर अभी तक देखोगे तो 5 मैचेस यहां पे विन किए हैं टोटल, और यहां पे 3 मैचेस लॉस करते हुए दिखे हैं। दोस्तों यहां पे जो आपको ओपन करते हुए देखेंगे रोहित ग्रोवर, जो कि टीम के ओपनर बल्लेबाज है, पहले मैच में ओपन करते हुए 2 रन बनाए थे, फिर 40, फिर 64, 28 बना के एक विकेट निकाले, फिर 48 बना के दोस्तों इन्होंने एक विकेट चटकाए, फिर यहां पे बैटिंग और बॉलिंग दोनों से फ्लॉप रहे, और लास्ट में 22 रन बना के एक विकेट चटकाए। देखो टीम का ओपनर बल्लेबाज है, बैटिंग ऑर्डर यहां पे आप देख सकते हो, प्लस आपको पूरे 2 ओवर गेंदबाजी करेंगे दोस्तों, तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी खिलाड़ी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी करण सिंह की बात करेंगे दोस्तों, तभी तक देख सकते हो इन्होंने बॉलिंग कराया काफी शानदार तरीके से और कंप्लीट 2 ओवर बॉलिंग करते हुए देखेंगे, टीम के मेन बॉलर है तो आपको लेना जरूरी रहेगा ये खिलाड़ी को। तो बाकी यहां पे अगर बात करेंगे अभिलाष के बारे में, इनका स्टेट्स आपके सामने स्टार्टिंग के, तो 3 मैच में इनको गाइस यहां पे सेकंड राउंड पे भेजा गया था जिसमें से लगातार फ्लॉप रहे, और लास्ट के 2 मैच में खेलते हुए काफी बढ़िया इन्होंने गाइस ओपन करते हुए परफॉर्म किया है। इस मैच में अगर खेलते हैं तो ट्राई कर सकते हो अपने टीम में। बाकी इनको ड्रॉप करते हुए चलेंगे जो काफी लेट बैटिंग करें, इनका स्टेट्स कुछ खास नहीं, साहिलाल की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इनका भी स्टेट्स आप देख सकते हो स्टार्टिंग के, कई मैच में बंदा फ्लॉप रहा है, 1-2 मैच में कुछ खास यहां पे खेल पाए, बाकी के सारे मैच में फ्लॉप रहे। इनको अगर लेना चाहते हैं तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। बाकी इमरान बुखारी की बात करेंगे, देखो ये बॉलर बहुत ही सुपर है, पूरे आपको 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, टीम के मेन बॉलर है, आप एज ए बॉलर आप इनको यहां पर ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। देख सकते हो कंटिन्यू इन्होंने विकेट निकाले हैं, 1-2 मैच में फ्लॉप जरूर है लेकिन बाकी के सारे मैच में इनको विकेट मिला है। बाकी नागा की बात करेंगे तो 5 रन पे बल्लेबाजी करते हुए 5 रन बना के 1 विकेट निकाले, फिर यहां पे 8 रन बना के 1 विकेट, फिर लास्ट के 2 मैच में बंदा फ्लॉप रहा है। और आशीष जफर जो कि ऐसे भी बहुत ही सुपर खेलते हुए दिखे हैं, अभी तक बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हुए नजर आएंगे, टीम का थर्ड डाउन का खिलाड़ी है, प्लस आपको पूरे 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अभी तक इस सीरीज में। देख सकते हो यहाँ पे मैच नंबर वाइज यहाँ पे सारी डिटेल्स आपके सामने है। बाकी निक की बात करेंगे तो ओपनर बल्लेबाज है, यहाँ पे 51 रन बना के 3 विकेट इन्होंने निकाले हैं, फिर यहाँ पे 13 रन बना के 1 विकेट चटकाए। देख सकते हो गाइस भी खिलाड़ी ने काफी बढ़िया परफॉर्म करा है, और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि टीम का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, अच्छे खास स्कोर किए हैं अभी तक इस सीरीज में, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी इनको ड्रॉप करेंगे वो विमल की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो अभी तक ये भी काफी शानदार बॉलिंग करा है दोस्तों, ये भी टीम के मेन बॉलर है, अभी तक 3 मैच खेले हैं टोटल, अगर आप देखोगे तो काफी बढ़िया विकेट चटकाए टोटल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे 8 विकेट निकाल चुके, आप समझ सकते हो 3 मैच में 8 विकेट निकालना आसान नहीं होता है। बाकी बात करें रवेंद्र के बारे में फ्रेंड्स, तो टीम का सेकंड राउंड खिलाड़ी लगातार ये मैच में फ्लॉप रहे, इनको ड्रॉप करेंगे। सदम गिल की बात करेंगे, टीम का फर्स्ट राउंड खिलाड़ी, पहले मैच में 8 रन बना के 1 विकेट, फिर यहां पे 8 रन बना के 2 विकेट, फिर 5 रन बना के 1 विकेट कंटिन्यू, देख सकते हो इन्होंने भी काफी बढ़िया परफॉर्म कराया, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से एक खिलाड़ी आपको पॉइंट दे सकते हैं, इनको भी ले सकते हो अपने टीम में। तो फ्रेंड्स ये था स्टेट्स BER के खेले गए मैचेस का, लेकिन सेकंड टीम की बात करेंगे BRI की टीम के बारे में, तो इस टीम ने अभी तक 5 मैचेस विन किए, 2 मैच लॉस करते हुए दिखाया। यहां पे जो आपको सेकंड राउंड पे खेलते हुए देखेंगे
रोहित सिंह, जिन्होंने काफी बढ़िया अभी तक इस सीरीज में बल्लेबाजी से स्कोर करा, अपने टीम की तरफ से बेस्ट स्कोर रहे हैं। पहले मैच में देखे तो 76 रन का पारी खेले थे, विकेट इसमें नहीं मिला था, फिर 20 रन बना के 2 विकेट, फिर ओपन करते हुए 4 रन बनाए थे, यहाँ विकेट नहीं मिला, फिर 39 रन बनाए थे, फिर 39 बनाए 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर देखते तो कंटिन्यू उन्होंने विकेट भी निकाला, अच्छे खास स्कोर भी कराया। तो कैप्टनसी वाइस कैप्टन के लिए सबसे ज्यादा इनको गए यहाँ पे सिलेक्शन मिला और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि टीम का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, गेंदबाजी भी आपको कंप्लीट करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका स्टेट्स की बात करें, आपके सामने कुछ खास स्कोर रहा नहीं है, काश मौत को भी ड्रॉप करते हुए चलेंगे, इनका ये भी अभी तक 2 मैच में खेले जिसमें से कुछ खास स्कोर नहीं कर पाए। विशाल की बात करेंगे, देखो टीम का ओपनर बल्लेबाज है, पहले मैच में 1 रन बना के 2 विकेट चटकाए हैं, फिर यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग दोनों से फ्लॉप रहे, फिर 30 रन बना के 2 विकेट, फिर यहाँ पे फ्लॉप रहे, फिर लास्ट में जो यहाँ पे 18 रन का पारी खेलते हुए दिखे हैं। वहीं फैजाल खान की बात करेंगे तो टीम का 4 रन पे बल्लेबाजी करते हुए 7 रन बनाए थे, विकेट नहीं मिला, फिर 6 रन बना के 3 विकेट, फिर फर्स्ट राउंड पे बल्लेबाजी करते हुए 15 रन बनाए थे, यहाँ विकेट नहीं मिला, फिर ओपन करते हुए 26 रन बना के 3 विकेट, फिर 5 रन बना के 1 विकेट, फिर 42 रन बना के 2 विकेट, फिर कंटिन्यू देखते इन्होंने भी काफी बढ़िया परफॉर्म किया। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए इनको भी आगे चलकर ट्राई करेंगे, रीजन यहाँ पे आप देख लो टीम का टॉप पे भी खेलते हुए दिख रहे ये बंदा और बॉलिंग से भी काफी बढ़िया स्कोर करा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी दोस्तों टीम के ओपनर बल्लेबाज है, देख सकते हो खाली बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन काफी बढ़िया इन्होंने अभी तक स्कोर किया बल्लेबाजी से, तो इनको भी लेना जरूरी रहेगा। बाकी बात करें वलीद अहमद के बारे में, तो स्टार्टिंग के पहले मैच फ्लॉप, फिर 1 विकेट, फिर कंटिन्यू देख सकते इन्होंने विकेट चटका है, टीम के ये भी मेन बॉलर है और एज ए बॉलर आप इनको भी ट्राई यहाँ पे जरूर करना दोस्तों, की टीम के मेन बॉलर पूरे 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। वकास बीर की बात करेंगे दोस्तों, ये भी काफी शानदार खिलाड़ी है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते हुए दिखेंगे, टीम के ये भी पूरे 2 ओवर गेंदबाजी करेंगे, हालांकि बैटिंग ऑर्डर गए इसके मैच में इनको टॉप पे भेजा जा रहा है और अच्छे खास स्कोर भी कर रहे हैं, इनको भी ले सकते हो। इनके बारे में बात करेंगे, हिमांशु हिमांस के बारे में, देखो ये भी पूरे 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, लास्ट मैच भले इनको विकेट नहीं मिला लेकिन टीम के ये भी मेन बॉलर है, पूरे 2 ओवर गेंदबाजी करेंगे, इनको भी लेना जरूरी रहेगा। बाकी दर्शक की बात करें, 2 विकेट इन्होंने निकाले हैं। यहाँ पे सनीस की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इन्होंने ओपन करते हुए यहाँ पे 13 रन बनाए थे, बाकी लास्ट जो खिलाड़ी अर्जुन रेड्डी जिन्होंने 1 विकेट चटकाए, एक ही मैच खेले हैं। तो ये था स्टेट दोनों ही टीमों का दोस्तों, अभी तक इस सीरीज में जितने भी मैचेस खेले थे दोस्तों, सारे खिलाड़ी को देखते हुए मैंने आपके लिए एक बेस्ट टीम तैयार किया है, तो चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले मैचेस का वीडियो मैं जैसे अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। बाकी चलिए हम लोग इसके बेसिस पे एक बेहतरीन टीम की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों सबसे पहले विकेट कीपर से, जो आज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखो ये गाइस हैं बहुत ही सुपर खिलाड़ी, अच्छे खासे बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं, सारे खिलाड़ी का इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होगा क्योंकि वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता रखा है दोस्तों। स्टेट्स बताते वक्त जिनको मैंने इंपॉर्टेंट बताया सिर्फ और सिर्फ उसी खिलाड़ी को भी ट्राई करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है बी आर के टीम की तरफ से, आप इनको यहाँ पर ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। बाकी बैटिंग की बात करेंगे तो 3 बैट्समैन आपके टीम में होने जरूरी है, के सिंह जो कि टीम के गाइस टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, बहुत ही सुपर बल्लेबाजी करते हुए दिखे। देखो आर ग्रोवर लास्ट मैच में नहीं खेले इसी कारण अभी ड्रॉप कर रहे हैं, अगर ये बंदा खेलता है याद रखना यहाँ पे गैस यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बंदा रहेगा, टॉप मोस्ट खिलाड़ी दोस्तों, इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते अगर खेलते हैं तो, ये चीज याद रखना, लाइन अप आने के बाद आपको फाइनल पता चलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी बीआरआई के टीम की तरफ से ये गैस दोनों के दोनों हाई इंपॉर्टेंट है, दोनों का गैस अभी तक बल्लेबाजी से काफी बढ़िया स्कोर रहा है। बाकी ऑलराउंडर मैं यहाँ पे देखोगे दोस्तों, मैंने 4 ऑलराउंडर खिलाड़ी को ट्राई किया हुआ है, आर सिंह और यहाँ पे एफ खान जो कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इन्होंने भी काफी बढ़िया बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हुए दिखाया, इनको भी अपने टीम में लेते हुए चलेंगे दोस्तों। और ये भी अगर देखोगे अभी तक 3 मैच खेले टोटल 8 विकेट निकाल चुके हैं, पहले मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट बॉलर है, बहुत ही सुपर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी बॉलिंग की बात करेंगे, 3 बॉलर को मैंने लिया हुआ है, आइबोकरी को ट्राई किया जो पूरे 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे बीआर के टीम की तरफ से, ए जफर भी आपको पूरे 2 ओवर गेंदबाजी करेंगे दोस्तों, यहां पे डब्ल्यू वीर की पूरे 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। बाकी यहां पे डब्ल्यू अहमद को लेना चाहते हो यहां पे दोस्तों इनके जगह में, तो बिल्कुल ये भी आपके लिए सही सोच रहेगा, आप जाना चाहते हो जा सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर फिलहाल टीम प्रीव्यू देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का है, जिसमें से कैप्टनसी के लिए आर सिंह को मैं ट्राई कर रहा हूं, मैंने पहले कहा था कि इंपॉर्टेंट है, बाकी वाइस कैप्टनसी के लिए ये भी चॉइस है या फिर आप एफ खान के साथ भी जा सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सेफ टीम है दोस्तों, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का चॉइस हमेशा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि स्टेट्स आपने भी देखा और वीडियो में स्टेट्स लाने का मतलब यही है कि कुछ तो आप अपने ऊपर भी गाइस यहाँ पे डिपेंड रहो। ये ऑलमोस्ट सेफ टीम है, यहाँ पे किसी प्रकार के अगर चेंजेस होता है तो मैं आपको फाइनल अपडेट टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को मिस मत करना। अगर फाइनल टीम ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स में पहला लिंक दे दिया गया है, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।